कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी जल्द ही अलविदा कहने वाला है। शो का ग्रैंड फिनाले नेड़े है। हाल ही दे विच शिवानी कुमारी विशाल पांडे नू शो तो बाहर कर दिया गया। विशाल दे एलिमिनेशन दे नाल ना सिर्फ बिग बॉस दे विच उन्हां दे दोस्तां नू सगो प्रशंसकां नू भी काफ़ी भावुक कर दिता है। हुण घर विच कुछ ही कंटेस्टेंट्स बचे ने। इस दौरान टॉप 5 दे विच पहुंचण वाले पहले कंटेस्टेंट का नाम सामने आया बिग बॉस OTT3 दे विच विशाल पांडे नू कढ़न दे नाल अरमान अते विशाल दी कहानी भी खत्म हो गई है। घट्टो घट ही उसकी तू तू मैं मैं ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੇ ਐਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈ ਕੇਤਨ ਰਾਓ, ਲਵਕੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਰਣਵੀਰ ਸ਼ੌਰੀ, ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ, ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਮਲਿਕ, ਸਨਮ ਮਕਬੂਲ ਅਤੇ ਨੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਾਲੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇ ਟੌਪ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸ਼ੌਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। कुछ दिन पहला शहनाज गिल ने भी उन्हां लई नवे कपड़े भेजे सन। इस दे नाल ही यूट्यूबर दे प्रशंसक अपने पसंदीदार लोकां दा समर्थन कर रहे ने। कुछ लोग चाहते ने नाजी जेतू बने जबकि कुछ लोग चाहते ने ट्रॉफी लवकेश कटारिया दे कोल जावे। इस दौरान जिस कंटेस्टेंट का नाम टॉप 5 लिया है वह कोई होर नहीं बल्कि रणवीर शौरी ने। फैन पेज दे मुताबिक रणवीर टॉप 5 दे विच पहुंचण वाला पहला फाइनलिस्ट है। हालांकि कुछ यूजर्स उसका नाम सुन के बहुत खुश नहीं हुए। यूजर्स ने लिखा रणवीर टॉप 5 दे विचो सब तो अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट्स ने। सो इस दिन दस दिए कि हुण तुहानूं ग्रैंड फिनाले कदों होण वाला है। सो 2 अगस्त नूं ग्रैंड फिनाले है। होस्ट अनिल कपूर ने स्पष्ट किया इह वीकेंड का वार आखिरी हफ्ता सी। हुण नैक्सट हफ्ते आए यानी कि 2 अगस्त नूं वीकेंड का वार नहीं होगा, सीधा ग्रैंड फिनाले होगा। देखना होगा कि इस कॉन्ट्रोवर्शियल बिग बॉस दे विच ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੇਤੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।